से एग्जाम दिया, पास पूस होने के कोई चांसेस हैं कि नहीं है? सिवाय केमिस्ट्री में हर किसी में पास हो जाएगी बच्ची। चेक जा रहे हैं नैना हजूर जोन से है ना, सामने पढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ कर रहे हैं। आप भी सोचेंगे मोबाइल तो कुड़ी बैठी हुई है, मोबाइल तो बैठ के ना पढ़ाई कर रही है, ये देखिए कोई फाइल्स खोल रही है। सामने हमारी हजूरी है, पढ़ नहीं रही, आपको लग रहा होगा ये बच्ची पढ़ रही होगी, बट ये बच्ची स्टिल यहाँ पर ड्राइंग करने की कोशिश कर रही है। क्या चल जो तो सामने मुर्दा लेटा हुआ है ना, ये सो रहा है इस रूम में। ओ गाइस ये देखो, ये मारिफ है और ये इसके थप्पड़ पड़ रहा है। Assalamualaikum everyone, क्या हाल चाल है, कि ना सब खैर के लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आप लोग का बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बने हुए दबा के ऑल पर करते वीडियो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके लाजमन आप लोगों ने अपनी राय देनी मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। आज के व्लॉग का मैं स्टार्ट करते हैं, बेसिकली काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी एक व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो रहे हो गए थे तो जिसकी वजह से मुझसे व्लॉग्स नहीं बन रहे थे। एग्जाम तैयार करूँ या व्लॉग तैयार करूँ एक ही काम हो सकता है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। नेवर। अब फाइनली मॉर्निंग में मेरा लास्ट पेपर है, आज भी मैंने व्लॉग अभी नहीं बनाया था, मतलब मैंने एग्जाम देने के बाद फ्री होने के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी, बट स्टिल फिर मुझसे कहा गया कि नहीं व्लॉग स्टार्ट कर। तो क्यों, किसने मुझसे कहा? मैं आप सबको पहले मिलवाती हूँ उनसे, उससे पहले जाएगा कि सारे हालात देखते जाए, सारा कुछ देखते हैं घर में कौन कौन आया होगा और क्या क्या सारे हालात चल रहे हैं, चलते सब कुछ देखते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। सो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैठे हुए यहाँ पर नैना हजूर बैठे हुए। नैना हजूर क्या हाल चाल है? इतने दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट हुआ तो कैसा लग रहा है? आप तो कहें मुझे तो आदत हो चुकी है आपके सदियों बाद व्लॉग स्टार्ट होते हैं उसमें देखने की। बहुत तेज हो रहा है। सुनाना जो यहाँ बैठे हुए ये हमारे पास आ जाए हैं मारिव और साथ में महलाइल। ये हमारे पास अपने समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हैं, अब ये कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। तो हमने महलाइल और माँ महलाइल की भरपूर फरमाइश पर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने कहा था व्लॉग स्टार्ट करो, सो मैंने जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो क्या हाल है मारी बाप का, आपको कैसा लगता है व्लॉग में आके? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इन्हें अपना, आप जब कैमरे पर देखते हैं स्क्रीन में तब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। महलाइल तुम्हारा क्या हाल चाल है? आपकी आपके एग्जाम हो गया आई थिंक, सो कैसे एग्जाम दिया, पास पूस होने के कोई चांसेस हैं कि नहीं है? सिवाय केमिस्ट्री में हर किसी में पास हो जाएगी बच्ची। चेक डाल लें आप, वैसे पाए थे आप है कौन सी क्लास में? एट क्लास में। फ्रेंड्स प्री नाइन कर रही है, एट क्लास का मतलब ये नहीं है आप लोग सोच रहे होंगे एट क्लास में कौन सी केमिस्ट्री आ गई, प्री नाइन है लड़की की, उसे बताना नहीं आया। इस वक्त वो स्टिल अपनी गेम इंजॉय करते हुए आई थी, मैंने इसको गेम लगा दी, मैंने कहा चल तू गेम खेल ले, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है गेम, तो बहुत मुश्किल है चलानी आई है इसको गेम। और ये हमारे कुछ कमरे के हालात है, रात के इस वक्त हो चुके हैं 3:30, फजर की अजानें हो चुकी हैं और मॉर्निंग में मेरा 4:30 बजे पेपर है, 4 बजे जितने बजे उतने बजे पेपर है। सो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कहने हैं आपने? नहीं मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हो। मैं जल्दी से सोने लगी, सोने की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ इस लड़की की, एक मिनट, इस लड़की की जो सोने की टाइमिंग है ना वो है 3:30, यानी कि 4 होने वाले हैं, तो इस टाइम इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम ये लगी है सोने। कमरे के साथ बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है क्योंकि अब रात हो चुकी है और इसलिए कमरा थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, बहुत मैसी हुआ हुआ है। और वैसे ही मम्मा लोग गए थे वापस आए हैं, तो वापस मतलब ये लोग आए कब है, ये अभी आज ही आए मम्मा लोग गए हुए थे तो इन्हें भी साथ लेके आ गए हैं ये, तो ये लोग भी कहते हैं हमने भी जाकर मतलब पहले से माँ आया तो वो अपनी कुछ दिन छुट्टियाँ इंजॉय करके गया, अब ये आ गए ये अपनी छुट्टियाँ इंजॉय करेंगे। ओके मेरी माँ, ओके अब ये अपनी कुछ दिन छुट्टियाँ इंजॉय करेंगे, वो कहते हैं नानी के घर जाके छुट्टियाँ इंजॉय करने का मज़ा आता है, वो हिसाब है इनका भी, हम मतलब हम नानी वाली साइड ही है, हाँ नानी का घर है तो इसलिए इनको यहाँ पे आके मज़ा आया। तो फिर इन्होंने आके सारे मम्मा लोगों ने अपना मम्मा लोग जो अपनी शॉपिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत तय करके वो सब कुछ फेंका हुआ, कुछ चीज़ें मैंने उठा दी थी कुछ रह गई हैं, इन्हें भी उठा के रखते हैं, सारा कुछ सेट करते हैं और फिर अपनी रेस्ट करते हैं, सुबह मॉर्निंग में आपसे मिलेंगे।
जी फ्रेंड्स, हम मॉर्निंग में उठ चुके हैं। उठने के बाद हम काम कर रहे, थोड़ा बहुत नाश्ता क्यों गया, हमें थोड़ी देर में निकल जाना है, साथ में पढ़ाई का, फिर मैंने कहा चलो अब नाश्ता भी थोड़ा बहुत खा ले, तो आपसे ही मिलते हैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून गाइस। जी फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। मैं जा रही हूँ पेपर देना, पेपर देकर आती है क्योंकि मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। सो मैं क्यों ना अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लिया जाए, नाश्ता किया था उसके बाद पेपर याद करी थी। सो व्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ, सो चल जाके सारा कुछ देखते घर में क्या हो रहा है, फिर चल जाके अपना एग्जाम दे के जान छुड़वा के आते हैं और फिर अपना करेंगे मज़ेदार फन वाले व्लॉग स्टार्ट। चलिए सारा कुछ देखते हैं। इस साइड से हम चलते हैं, चलते 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 यहाँ पे जा रहे हैं। नैना हुजूर जो उनसे है ना सामने पढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ कर रहे हैं। आप भी सोचेंगे मोबाइल तो कुड़ी बैठी हुई है, मोबाइल तो बैठ के ना पढ़ाई कर रही है। ये देखिए कोई फाइल्स खोल रही है सामने हमारी, हुजूरी पढ़ नहीं रही। आपको लग रहा होगा ये बच्ची पढ़ रही होगी, बट ये बच्ची स्टिल यहाँ पर ड्राइंग करने की कोशिश कर रही है। क्या चल है गंदे हो रहा हमारी मारी का। फिर यहाँ चलते बाहर, डाडा हुजूर बैठ कर खाना खा रहे हैं। इस रूम में महिलाएं सो रही है, जो सामने मुर्दा लेटा हुआ है ना ये सो रहा है इस रूम में, ये इधर है। फिर यहाँ चल जाएगा मौसम के हालात देखते, जो बहुत गर्म हुआ है, बहुत गर्म टेम्परेचर, इतनी गर्मी तो जिसका कोई आलम नहीं, बहुत गर्म टेम्परेचर है। सो ये कुछ हमारे घर के आज के हालात है। चलते जाएगा सारा कुछ बाकी का देख लेते। मम्मा हुजूर वो फिर रही है, मम्मा भी काम कुम कर रही है जल्दी से, क्योंकि हमने अब जाना है। सो इसलिए अपना सामान चेक कर रहे, डन है सारा कुछ, रेडी है इसमें, आई थिंक ऑल सेट है। सो हाँ ना, ये नहीं लेके जाना। आप क्या लेके जाना है? आज दूसरा पकड़ो, बड़ा पकड़ के लेके जाना है, इसमें ना चीजें पूरी नहीं आती। फ्रेंड्स, इस खातून ने मेरा हाथ जाया हो जाना, चेक कर ले। मैंने इसने ये ईद पे टेबल के नीचे का इस तरह का होता है, देखे ईद से पहले टेबल के नीचे का ये हाल हो गया। कैलकुलेटर निकालते, सामान निकालते हुए चलते। तो जी फ्रेंड्स, अब हम निकलने लगे हैं जा के पेपर देके आते, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून गाइस। यहाँ चलते हैं, सामान अपना पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं। अल्लाह हाफिज़। चलते 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 लेट्स गो। सो हम जाके मिलते हैं थोड़ी देर में स्टे ट्यून। सो जी फ्रेंड्स, अब हम निकलने लगे हैं, निकल जाके पेपर देके आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, बाकी सारे दिन बाद में गुजारेंगे। पहले अपना एग्जाम देकर जान छुड़वा के आते हैं, हमारा मिड टर्म हो जाएगा खत्म और फिर फाइनल की स्टार्टिंग हो जाएगी। सो आज फाइनल एग्जाम देकर जान छुड़वाते हैं। स्टे ट्यून गाइस। Hours later. जी फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं कुछ लेने के लिए, चीज़ें देखते हैं क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि कुछ चाहिए था हमें खाने पीने के सामान, तो अब देखते हैं कुछ और चलते हैं। सो जी फ्रेंड्स, अब हम लेने लगे हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ पे अजान हो रही है, कुछ बोल नहीं मैं भी सकती हूँ, तो कुछ देखते हैं सामान। सो जी फ्रेंड्स, अब हम नगेट्स ढूंढ रहे हैं बट स्टिल नहीं मिल रहे हैं, देखते हैं मिल गए हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल हो रहा है हमारे कुछ सामान का, अब देखते हैं और सामान लेते हैं और फिर चलते हैं। फाइनली घर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, उठ गए हो तुम? आए पेपर देने गए थे, सब से चेंज हो गया, कहते फ्रेश होते। सो जी फ्रेंड्स, मैं गया कि फ्रेश हो चुकी, चाय वगैरह पी ली है, इसके बाद अब मैं करने लगी हूँ मारिफ का मेकअप। और पीछे वो लड़की चेक कर लो, उसकी हरकतें चेक कर, स्टिल बहुत हो रही है। मैंने कहा मेरा कैमरा मैन बन जाए, कैमरे मैन भी नहीं बन रही। मैं कहा चलो मारिफ को मेकअप करके दिखाते हैं, मारिफ को प्यार से तैयार करते हैं, उसे मूड होया ही अपना अच्छे से सेट होने लगे। अब हम इसको कहते हैं मेकअप और आपको सारा कुछ साथ साथ दिखाते। हेलो गाइज, ये देखो ये मारिफ है और ये इसके थप्पड़ पड़ रहा है। गंदी बच्ची है, इसको लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो और इसको थप्पड़ मारो। बहुत तेज हो रहा है। सो जी फ्रेंड्स, आप हम करने लगे हैं मारिफ का मेकअप। सो क्योंकि उससे बहुत सारा था कि मेकअप करो, तो मेकअप करो, मैं कहा चलो हम मेकअप मारा करते हैं। सो ये आपको हाय गाइस कह रही थी पीछे, अभी जिसने कहा दोबारा कह दो आप। सो अब हम करने लगे हैं इसका मेकअप, सारा मेकअप अपने लास्ट तक वॉच करना, शायद आप लोगों को भी कोई टिप मिल जाए मेकअप करने की। और ये पीछे जो लड़की खड़ी हुई, नहीं नुकसान पर नुकसान अपना कर रही है, इसने भी अपना लिप ग्लॉस तोड़ दिया है। दिखा दें आप भी अपना हाथ, दिखा दें आप अपने, ये इसने अपने हाथों में सारा इसके लिप ग्लॉस लगा हुआ है, ये तोड़ा अभी इसने।
ये इसकी कुछ हरकतें, आ जाओ नीचे आप भी आ जाओ कैमरे के अंदर, आप भी एडजस्ट हो जाओ। सब हम करते हैं मारियो का प्यारा सा मेकअप, और ये पीछे लड़की है आपकी, देख लीजिए हरकतें इसकी कभी नहीं सुधरेगी। फ्रेंड्स सारे बाजू गंदा कर गई ये लड़की। चले कुछ नहीं तो चले, मैं इसका मेकअप करती हूँ। मैं तो कहते स्टार्ट सभी पहले अपने मॉइस्चराइजर लगाया है, आप अब करेंगे अपना क्विक वाला स्वीट वाला प्यारा वाला मेकअप। तो वीडियो को लाइक करना है, मारी लाइक किस तरह करते हैं ऐसे, ये लाइक आप लोगों ने करना है। सब हम करते हैं इसका मेकअप। जी फ्रेंड्स हमने मारिफ के फेस पे ये कुछ प्रोडक्ट लगा दिया, मतलब मैं थोड़ी सी बीबी क्रीम ऐड की और थोड़ा सा कंसीलर ऐड किया क्योंकि इसको इतनी ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा हाथ जोड़ लगाया। पीछे वो लड़की देखे क्या हरकतें कर रही है, देख ले। और इन दो आई इसका शोर चाह रहा है इसलिए आवाज़ें आ रही है पीछे से। इसका अब हम मेकअप करते हैं मर्च और फिर आगे वाले प्रोसेस में बढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स फेस हमने कर दिया सेट, पीछे से लड़की अपनी फजूल पीछे और इसके कर दिए। अब हम ऐड करेंगे फेस पाउडर थोड़ा सा इसके फेस पे, इसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल फेस को सिर्फ सेट करने के लिए। जो भी हमने बीबी क्रीम लगाई है क्योंकि वो बेबी स्किन है और शौक है, तो वैसे भी आप लोग पहले छोटे छोटे दिखा देते हैं, लेकिन बिल्कुल लाइट सा बीबी क्रीम लगाई है। अब हमने फेस पाउडर ऐड कर दिया, ये हमने इतना सिखा दिया। अब हम इसके आईब्रो थोड़े सेट करते हैं और अच्छा हम वीडियो बनाने लगे। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तू ही आगे नजर क्या आ रहा है, और ये एक अदर हमारा बहुत बदतमीज बच्चा है, ये बैक साइड पे आ रहा है, आप इनको भी देख लें। इनका कोई चैनल नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, इसी ज़बान का काम, और इनका ज़बान जो है वो एनी से ज़्यादा तेज़ चलती है दिन से। और ये सबकी वालदा वालदा ये बैठी हुई है। आप पापन दीप की अम्मी हो ना, क्या हो सब तो कह रही थी कि मैं पापा दीप की भी अम्मी हूँ, अपने पापा की भी अम्मी हूँ। मैंने मूवी लगा के अब दी है, शांत होकर साइड पे बैठ गई है, वरना तंग किया होता तो मेरी जिंदगी साफ कर दीजिए। अब करते हैं इसका कंप्लीट मेकअप स्टार्ट, थोड़ा सा पहले लाइट से मेकअप हम करेंगे। सबसे पहले हम इसका आई लाइनर को कहता है आई शेड लगाएंगे हम, बिल्कुल लाइट से करेंगे जो म्यूट कलर लगे वो ये कलर है। आप कहाँ से कैसे दिखाऊँ, ये वाला ये कलर, ये बिल्कुल लाइट पिंकिश सा टोन रहेगा। जो कि आगे यहाँ पे होकर बैठ जाए, बिल्कुल हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं ना, ताकि हमारी आँख जो सी है बिल्कुल सॉफ्ट सी लगे। इतनी पता नहीं चलेगी आपको, बट स्टिल डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आएगा, इतना पता नहीं चल रहा, नेचुरल कलर लग रहा है, बिल्कुल ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा, नहीं पल वल पता चलता है कि आपने लगाया भी हुआ कुछ, बिल्कुल नेचुरल आई लगेगी। ये हमने इतना सा कर लिया आँख खोल, फिर हम वही कलर पकड़ेंगे दोबारा, थोड़ा सा आँख के नीचे लगाएंगे ताकि आप ऊपर कर ऊपर देखो, ताकि अगर हमारी कोई क्रीज भी डाल रही है तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए, क्रीजेस भी ना ऐड हो। काफी आँखें आराम से लगा लो क्योंकि बच्चा छोटा काका है ना। तो ये हमने प्यारी सी लाइट सी पिंकी सी आई बना ली अपनी, इस तरह करो इस तरह, यस हमने प्यारी से अपनी पिंकी से आई बना ली। अब हम थोड़ा सा अपना बाकी का कार टचअप करते हैं कंप्लीट। सो जी फ्रेंड्स हमने मारिफ का मेकअप प्यारा सा डन कर दिया, मारिफ कुछ कहना है तो गाइस
ये बहुत अच्छा मेकअप है, है ना ना गाइस? वो भी सोच रहा था कब तारी क्या क्या बोलने। सो जी फ्रेंड्स, आज हमने मारिक को कुछ सिंपल से इस टाइप का मेकअप किया, कल डिफरेंट टाइप का मेकअप करेंगे हम, क्योंकि मारिक को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। और भाई तभी वो डैडा बुला रहे हैं, वो बैठा हुआ है। चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल पर निकल दबा के ऑल पे कर देना, और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बहुत सारे कमेंट्स मारिक के लिए करने हैं आप लोगों ने। सो ये थी आज की हमारी प्यारी सी प्यारी वीडियो, जिसमें आज हमने मारिक का मेकअप किया। हमारी आइज़ क्लोज करो, आप अपनी आइज़ क्लोज करके हमें दिखाए। ये हमने बिल्कुल लाइट सा प्यारा सा लाइनर लगाया, क्योंकि मारिक को लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मा की तरह उसने जितनी गाड़ी का लाइनर लगवाया, तो फिर मैंने प्यारा सा क्यूट सा लाइनर उसको लगाया, बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप करके प्यारा सा रेडी कर दिया, जिससे ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है। सो अब हम आज के ब्लॉग के एंड ये भी करते हैं। मुझे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी आप लोगों ने अपनी राय देनी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।